कोविड-19 संक्रमण के तीसरे चक्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर मंडलायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि कुपोषण वाले बच्चों के परिवार वालों का प्राथमिकता के आधार पर कोविड का टीकाकरण कराया जाए, जिससे तीसरे चक्र का असर उनके बच्चों पर ना पड़ने पाए। गौरतलब है कि कोविड-19 के तीसरे चक्र का असर सबसे अधिक बच्चों पर होने वाला है, जिसको लेकर बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जनपद के सभी CSC एवं PSC पर अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। BRD मेडिकल कॉलेज के इंसेफेलाइटिस वार्ड को भी कोविड वार्ड के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसको लेकर मंडलायुक्त ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वन टांगिया, मुसहर तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को कोविड वैक्सीनेशन कराने का निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने कहा कि कुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उनके परिवार वालों का प्राथमिकता के आधार पर कोरोना का टीकाकरण कराया जाए, जिससे उनके बच्चों पर कोरोना का कोई असर ना हो सके और वे सुरक्षित रहें। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है कि जनपद में सभी लोग सुरक्षित रहें और कोई भी व्यक्ति संक्रमण से अपनी जान ना गवा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, देखिए जो एक बात संभावित थर्ड वेव की चल रही है और ये बात चल रही है कि उसमें बच्चों के प्रभावित होने की संभावना है, तो हमारा एक प्रयास जनपद और मंडल में ये होना चाहिए और इसी का प्रयास कर रहे हैं कि हम 45+ का जब वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो क्या हम उन लोगों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेट कर सकते हैं जो JES के गांव हैं, मुशर और वनटांगिया के गांव हैं या कुपोषित चिन्हित कुपोषित अंचल हैं, क्योंकि यदि उनकी इम्यूनिटी कम है तो उनके बच्चों की यदि प्रभावित होने की संभावना है, भगवान न करे यदि ऐसा हो, लेकिन यदि है तो उनके माता पिता को यदि हम वैक्सीनेट जल्दी करते हैं कल को हो सकता है ये हमें अपनी इस लड़ाई में मदद करे। हम वैक्सीनेट सबको करें, जिसकी तिथि जिसका समय जिसका जो स्थान हो वो करें, लेकिन इनको हम प्राथमिकता पर करने का प्रयास करें, यही एक पहल है और देखते हैं कि उसमें हम जो चिन्हित ग्रुप है उनको पहले वैक्सीनेट करें और उसके साथ साथ संक्रमण से बचाने का प्रयास करें।